नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेके दो सीटें बची हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन ने नामांकन दर्ज कर लिया है, अपना नामांकन जाके जमा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी थे, जिनका नाम सबसे आगे आ रहा था, वो अब अपना नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण जो है वो 4 साल की सीट का कार्यकाल है, जो अभी फिलहाल मुकेश सहनी को दिया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने एकदम सिरे से नकार दिया है कि मैं इस बार विधान परिषद का नामांकन नहीं भरूंगा, मुझे जो सीट चाहिए वो 6 साल के कार्यकाल वाली चाहिए। अभी जो उनको सीट मिल रही है वह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की है, जो 4 साल की बची है, जो 2024 में खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर काफी गुस्से में नजर आए वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं अब विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि वह बिहार सरकार के मंत्री हैं और वो किसी भी सदन के नेता नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि वो इस बार विधान परिषद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उन्हें मंत्री पद से हाथ गंवाना होगा और वो मंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि वो किसी भी सदन के नेता नहीं है। जो अंतिम डेट है, जो आखिरी तारीख बताई गई है, वो 21 जनवरी है और आज 17 जनवरी हो चुका है। हालांकि हमने पहले भी उनसे बात की थी, जिसमें उन्होंने सीधे तरीके से कह दिया था और साफ साफ कहा था कि मैं 4 साल के कार्यकाल वाला सीट नहीं लड़ूंगा, मुझे जो सीट चाहिए वो 6 साल की चाहिए, 4 साल के सीट पे मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। अब देखना यह होगा कि वो अपने चुनाव में आते हैं या फिर बीजेपी का बात काट देते हैं और अपना मंत्री पद गंवा देते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।